हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम विद अ न्यू वीडियो एंड टुडेज टॉपिक अबाउट लाइफ ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट्स इन अब्रॉड एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान. टुडे आई एम इन द ताशकंत मेडिकल एकेडमी हॉस्टल एंड दे आर द इंडियन स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल एंड दे आर परसुइंग देयर एमबीबीएस फ्रॉम ताशकंत मेडिकल एकेडमी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो यू ऑल गाइस, सबसे पहले जो है आप अपना नाम और. मेरा नाम मोहम्मद मुकीम अशरफ है, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर से हूँ. मेरा नाम अबरार खान है और मैं रामनगर वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ. मेरा नाम मोहम्मद फादी है और मैं कश्मीर से हूँ. मैं सजवल कैफान है, मैं फ्रॉम कोटा राजस्थान. हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद जानुल्ला, मैं वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ. अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद उस्मान खान, आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर. मैं मोहम्मद जैद खान और मैं राजस्थान से. सबसे पहले आप लोग से पहला क्वेश्चन ये है कि जब बात आती है कि एमबीबीएस एब्रॉड से करने की तो बहुत सारे कंट्री जो होते हैं हमारे नजर में होते हैं बहुत सारे कंट्री, लेकिन आप लोग जो है उज्बेकिस्तान मतलब क्यों चूज किया, क्या किसी ने सजेशन किया या रिसर्च कैसे? मेरा सबसे पहला जो चॉइस था उज्बेकिस्तान नहीं था, मैं रशिया जाने वाला था कजान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बट वार की वजह से, यूक्रेन और रशिया की बात की वजह से मेरे घर वाले ने कहा कि आप रशिया ना जाओ, आप यूक्रेन उज्बेकिस्तान जाओ. तो क्या घर वालों को मतलब पहले से पता था या फिर रिसर्च हुआ था? नहीं, हाँ रिसर्च किया मैंने और यूट्यूब पे वीडियोस देखे और कई प्लेटफॉर्म से मैंने रिसर्च किया पर और उसके बाद उज्बेकिस्तान पे. पहले मैं खजाना स्टेट जाना चाहता था रशिया में जो है, फिर मैंने पता किया तारिक भाई से तो उन्होंने सजेस्ट किया ताशकंद, तो इसके वजह से मैं ताशकंद आया. मेरे थोड़े कश्मीरी फ्रेंड्स ताशकंद में ही, उज्बेकिस्तान ताशकंद में ही पढ़ रहे थे तो उनसे कांटेक्ट था तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया. तो एक्चुअली मैं पहले जॉर्जिया जा रहा था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काउंसलर्स को रीच करा, उनको मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स ने उज्बेकिस्तान रेफर करा. सो देयर आई एम. फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस यही था उज्बेकिस्तान, क्योंकि मेरा अमन भाई बोले थे कि सही है ये, मैं भी सर्च किया तो यहाँ पे आगे पढ़ने. मैंने जो है यूट्यूब पे बहुत सारी रिसर्च की और उसके बाद मैंने उज्बेकिस्तान चॉइस की. और क्या नाम है, मैं सबसे पहले एंडिजन में जाना चाह रहा था, एंडिजन मेडिकल इंस्टीट्यूट. तो फिर उसके बाद उसमें रिसर्च की और वहाँ पे मतलब कि मैं एक भाई से बात कर लिया था और पूरा स्टेप हो गया था एडमिशन का. बट हुआ लास्ट में ये, अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा बेटा मतलब कि वो बहुत ज्यादा दूर है, कैपिटल से दूर है. तो दैट्स व्हाई फिर हमने ताशकंद मेडिकल एकेडमी देखा और फिर उसके बाद इसी में मेरे भैया डॉक्टर हैं और उनके जानने वाले काउंसलर थे तो उनसे बात हुई और फिर मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया. तो बेसिकली जो है उज्बेकिस्तान मतलब कैपिटल को ऐसे चूज किया. यस यस, मुझे जिस कंट्री में भी एडमिशन लेना था मुझे उसकी कैपिटल में लेना था, क्योंकि मैं इससे पहले यूक्रेन था तो यूक्रेन में मैं ज़ेपोरोजिया था जो कि यूक्रेन का कैपिटल नहीं था, तो इस वजह से मैंने उज़्बेकिस्तान का कैपिटल चूज करा. और ये सही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं. तो जैसे जैद की इसके पहले जो है आप दूसरे कंट्री में भी रह चुके हैं यूक्रेन में, तो क्या है ऐसा कि जो कि कैपिटल में आपका जो प्रेफरेंस था कि मुझे कैपिटल में जाना है किसी कंट्री? देखो कैपिटल में क्या होता है कि सारी चीजें इजी टू गो होती है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे मॉल्स नहीं होते, वहाँ पे कुछ नहीं था, बट यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, अम्यूजमेंट पार्क मिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मिलता है, तो कैपिटल इसलिए ज्यादा. और भी बच्चे से जैसे बात करने पे ये होता है कि डायरेक्ट फ्लाइट भी एक मतलब एक मेजर रीजन है यहाँ पे आने का बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट एक फ्लाइट है 3 आवर्स का. और यहाँ का स्टडी कैसा है, मीडियम ऑफ कोर्स क्या है, ग्रुप्स वगैरह मतलब क्या है, किस तरीके से है और क्या क्या मतलब पढ़ाई होती है फर्स्ट ईयर में? मीडियम ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटली इंग्लिश है और स्टडी तो बहुत ही अच्छा है और क्लिन सबसे बेस्ट यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर जो हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, सबसे बेस्ट सबसे जरूरी जो होता है क्लिनिकल एक्सपोजर जो यहाँ पे सबसे बेस्ट है बाकी फॉरेनर कंट्रीज के तुलना में. तो आपको क्या लगता है या फिर किसी को और कुछ जैसे ये ऐड करना है तो? जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे मैं यूक्रेन में था तो वहाँ पे अटेंडेंस की बहुत दिक्कत थी, आपको 100% अटेंडेंस ही चाहिए रहती थी. यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है तो आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं था. तो यहाँ का ये भी की पॉइंट है कि आपकी अटेंडेंस 100% होना जरूरी नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. 60-70% आई थिंक ना.
दोस्तों से बात होती है जो बाकी कंट्रीज में BBS परस्यू कर रहे हैं, तो जब उन्हें मैं ये बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में हमारी सर्जिकल क्लास चल रही है, आज हमने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो उनका ये रिएक्शन होता है कि भाई हम थर्ड ईयर में भी है, हमने भी हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं देखा, तुम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेशेंट से डील कर रहे हो, तो वो एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे MBBS करने का कि यहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर है जैसे मुकीम भाई बता रहे थे वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो MBBS में मेन है क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि FMG में भी क्लिनिकल क्वेश्चन के बेसिस पे जब सवाल आ रहे हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा रीजन है MBBS चूज करने का उज़्बेकिस्तान में। और किसी को ग्रुप्स वगैरह क्या है, मतलब जैसे कि बच्चों की क्वेरी भी होता है कि कितने, क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली जैसे हजार मतलब 100-150-200 का ऐसे बैच है, यहाँ पे कैसे क्या है? यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप्स का यहाँ पे ये है कि एक बैच में 15 स्टूडेंट्स डिवाइड करा गया है, मतलब 15 स्टूडेंट्स हर बैचेस में रहते हैं, जो कि काफी अच्छा भी है, मतलब कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं तो टीचर का सब पे ध्यान रहता है और ऑब्वियसली वो स्टडी भी करेगा, तो बैच का स्टूडेंट्स का तो ये है, जैसे सर्जिकल क्लासेस वगैरह लगती है उसमें भी जो 15 होता है उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि 7-7 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा है ताकि हर बच्चा क्या है कि एक्सपोजर देख पाए सारी चीजें। ये बताइए आप लोग की फर्स्ट ईयर में क्या सब मेनली सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं तो आज आप लोगों से जानने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि क्या होते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है 19 सब्जेक्ट का जो मेनली पढ़ाई होता है, तो आप लोग क्या फर्स्ट ईयर वगैरह में होता है, क्या एडिशनल सब्जेक्ट है और क्या मेन है? सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि IT और बायोफिजिक्स, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। तो अगर आप जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हमें 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जैसे कि लैंग्वेजेस उज़्बेकी एंड रशियन। तो जैसे हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी उज़्बेकी खत्म हो चुकी थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से, और अब हमारी चल रही है रशियन लैंग्वेज, और एक्स्ट्रा और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मेड बायोलॉजी और IT और बायोफिजिक्स लाइक, और NR तो है ही। बात यह है कि जब एब्रॉड की बात आती है तो हर कंट्री का अपने अपने हिसाब से, तो लैंग्वेज तो एडिशनल होता ही है, क्योंकि सबसे पहले जो है जिस कंट्री में आपको रहना है तो वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज आना जरूरी होता है, और कुछ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्री से बच्चे आते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे लैटिन वगैरह मेनली जो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह होता है क्योंकि एनाटॉमी में ज्यादा हेल्प होता है, तो लाइक दिस जो है कुछ है 4-5 जो है फर्स्ट ईयर आपको सेकंड ईयर में ये सब एडिशनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो कि आप इंडिया में ये सब नहीं होता है। और किसी को कुछ बताना हो यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर कुछ ऐसा तो जी यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कोई भी अब्रॉड कंट्री में कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हैं अब्रॉड में, तो वहाँ पे जो हमारी क्लासेस जो हेल्ड होती हैं डिपार्टमेंट अलग अलग, वो काफ़ी दूरी मतलब डिस्टेंस पे होती हैं। हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारे भाइयों को देखा तो वो बताते हैं कि मतलब इतने बस से करके यहाँ इतने घंटे की क्लास, बट मैं TMA में आया हूँ तो TMA में मेरी सारी जो क्लासेस हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, मीन्स 10-5 मिनट हॉस्टल से लगता है निकलने में, और पहुँच के फिर हेल्ड करके क्लास अटेंड करके वापस आ जाना। जो TMA सबसे पहले बात तो उज़्बेकिस्तान में जो TMA का हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे गवर्नमेंटेड है। एंड देन क्या कहते हैं हमारे सारे वो हॉस्पिटल के, जैसे हम इंटर होते हैं वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट नज़दीक पे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं बिल्डिंग नंबर करके, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक ये है ना कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी जो है उज़्बेकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, और इसका हॉस्पिटल भी काफी बड़ा है क्योंकि गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है। एम्स की तरह आप एक कंपेयर कर सके, क्योंकि ये छोटा सा कंट्री है तो यहाँ का एम्स बोल सकते हैं, तो लाइक दिस। और यहाँ का जो है ना ये एक ही आप कैंपस बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में कहीं गैप नहीं है, आपका हॉस्टल हो या फिर आपका कॉलेज हो या फिर हॉस्पिटल हो, सभी जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है और विद इन अ किलोमीटर सारी चीज है। सो एक ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को लगता है, क्योंकि अगर रसिया वगैरह की जो बात करते हैं या फिर अदर कंट्री का, तो वहाँ पे हॉस्टल कहीं और होता है, हॉस्पिटल कहीं और होता है और कॉलेज वगैरह कहीं और होता है। तो अब दूसरे मैं सवाल पे आऊँगा, ये तो सारी चीजें हो गई, अभी आप लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का लाइफ कैसा है? रहने सहने का तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कोई मेन चीज प्रॉब्लम ये होती है एब्रॉड में कि मेस
और फूड इंडियन, तो आप लोगों का क्या इस पे सजेशन है, इंडियन फूड या फिर मिस वगैरह? कुछ इंडियन फूड्स तो मेस में, हमारे मेस में हॉस्टल के मेस में इंडियन फूड्स मिलते हैं, जो कि इंडियन अंकल है वो बनाते ही हैं, सिर्फ जो है इंडियन ही है यहाँ पे, तो इंडियन फूड की कोई दिक्कत नहीं, मिल जाते हैं इजीली हॉस्टल में। टाइम मतलब कितने वक्त मिलता है क्या? हाँ, ब्रेकफास्ट मिलता है और लंच और डिनर तीनों। और ये वेज नॉन वेज सर? वेज नॉन वेज दोनों, पूरा मेन्यू बना हुआ है, वो डिपेंड करता है मेन्यू, जैसे ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे को आपको नॉन वेज मिल जाएगा, अदर डेज पे मिल जाएगा, और मतलब जिस दिन नॉन वेज बनता है उस दिन श्योरली मतलब स्टूडेंट्स के लिए वेज भी बनता है। तो एक ये यहाँ पे, हाँ एक ये यहाँ पे बेनिफिट ये है कि वेज वालों के वेज भी होता है और नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज भी होता है, जो जो प्रेफर करें अपना खाना तो खा सकते हैं, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होती है। तो मेनली तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये हॉस्टल के अंदर में बैठे हुए हैं और ये और खाना वगैरह का जो मेनली हो ही गया, तो कुछ आप लोग बताइए कि पढ़ाई वगैरह का कैसा क्या है सीन है हॉस्टल में, या फिर जैसे कपड़े वगैरह धुलना या फिर कैसे क्या है सारी चीज़ें। हाँ, ये जो पढ़ाई वाला मैं रिलेट बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे वन वीक में वन क्लासेस चलते हैं, जैसे कि अगर आप एनएट जो है तो वन वीक में एक ही क्लासेस चलती है, नहीं कि वन वीक में दो क्लास तीन क्लास, फाइव सब्जेक्ट्स है हमारे, वन वीक में फाइव सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं, तो हर एक दिन एक सब्जेक्ट रहता है। हॉस्टल में है तो आप अच्छे से रह सकते हैं, मतलब कि सब कुछ इजिली अवेलेबल है, जैसे वॉशिंग मशीन है और हॉस्टल में पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है और क्या कहते हैं अलग से वाईफाई, वो लाइब्रेरी जो है हमेशा आपके लिए मतलब की खुली है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और वहाँ पढ़ाई का एक इन्वायरमेंट होता है, और मतलब वहाँ पे सारी इंडियन ऑथर्स की बुक, जो भी आपको जो भी ऑथर्स इंडियन ऑथर्स की बुक चाहिए वो सारी मिल जाएंगी। उज्बेकिस्तान में है तो उज्बेकिस्तान का भी बात करना एक जरूरी है। सबसे पहला जो है एक ये मिथ है, अब उसके बारे में आप लोग अपने से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कि चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस चीपेस्ट कंट्री, क्या फेस किया आप लोग बताइए। अगर तुम यूं सोच कर आ रहे हो कि भैया तुम पैसा बचाओगे तो वो बचेगा नहीं, मिनिमम तुम्हें 10,000 तो रखने हैं तुम्हारे अकाउंट में, उससे कम आप में आपका काम चलेगा नहीं। अगर आपको यूं लग रहा है कि बहुत सस्ती कंट्री तो ये है नहीं, तो ये सोच के आइएगा मत यहाँ, कैपिटल है ना, क्योंकि हाँ ये कैपिटल है, जैसा कि उस्मान भाई ने बोला ये कैपिटल है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, ये सब आपको सब सस्ता मिलेगा, लेकिन जो यहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस है वो बहुत महंगा है। अगर आप फ्लैट में जाने की सोचते हो तो वो भी बहुत महंगा है, इसके बारे में बताएंगे। हॉस्टल में अगर आप देखेंगे तो बता दिया सबने आपको, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक्सपेंसिव नहीं है और चीप भी नहीं है, इंडिया के सिमिलर ही है, मॉडरेट है, इंडिया के सिमिलर ही आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। हाँ, पर जो डिफरेंस ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पे फीस है, जो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, वो अगर आप किसी भी कंट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड देखोगे वो आपको कहीं और मिलेगी नहीं। तो चीपेस्ट इस सेंस में बीबीए स्टूडेंट के लिए चीप ही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है और जो बाकी सब हॉस्टल अकोमोडेशन का खर्चा है वो बाकी कंट्री से काफी ज्यादा कम है, तो उसमें ये चीप है। बाकी वो अपार्टमेंट्स में अगर आप रहना चाहेंगे तो $600 वाले अपार्टमेंट में आप चार पांच बंदे एक साथ शेयरिंग में रहते हैं। वैसे अगर क्योंकि ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, अगर आप समरकंद जाएंगे या अंडीजान चले जाएंगे तो वहां पे तो रेट है अपार्टमेंट्स की वो कम होती जाएगी, जैसे $300-$400 में आपको अच्छा खासा अपार्टमेंट मिल जाएगा। अप्रोक्स कुछ ज्यादा वेरी नहीं है कैपिटल और बाकी जो रूरल एरिया है। अगर दूसरे अगर स्टेट का अगर बात करें तो $100 आपको कम पड़ जाएगा, तो 7,000-8,000 रुपए जो है, लेकिन 5% पे 8,000 रुपए कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ $100, तो 400-500 के अबाउट जो फ्लैट मिलेगा उसमें आप 5% शेयरिंग पे रह सकते हैं, अप्रोक्स पर हेड जो है $100 ये पड़ेगा। और मैं अपने तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें, उज्बेकिस्तान का करेंसी डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंट्री चीप है, कुछ मामलों में है। ट्रांसपोर्ट आप इजीली जो है आपको बस और मेट्रो का जो है 10 रुपीज में आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं,
और बाकी यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी सस्ती है, कैब वगैरह यहाँ पे सस्ती है। उसके बाद जो है अगर आप फूड वगैरह की बात करेंगे तो फूड वगैरह जो है आप एज इंडिया में जैसे आप ये परचेज करते हैं सेम वैसे ही रेस्टोरेंट वगैरह फॉलो होता है बराबर, और मे बी स्लाइटली महंगा भी है। इंडिया के एक रुपए के बराबर यहाँ का 150 है उज्बेकिस्तानी सोम, तो आपको जो है ना इंडिया के हिसाब से यहाँ पे सोम उतना पे करना पड़ेगा। सो डेट्स वाई आप ये नहीं समझे बिल्कुल कि ये कंट्री चीप है, आपको मॉडरेट जो है आपको लिटिल बिट महंगा पड़ेगा। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के बाहर और जो हॉस्टल के बाहर आप लोगों को मतलब क्या मिलता है देखने को, जैसे कि मार्केट वगैरह के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ आपके मन में अगर कुछ हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में। हाँ, जैसे हमारा ये हॉस्टल है तो हॉस्टल नंबर 4 है हमारा बेसिकली, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट रहते हैं और जैसे ही हम निकलते हैं तो फिर क्या कहते हैं बस स्टॉप है सामने ही, और उसे जो है हम लोग वही आपने बताया जैसे कि क्या कहते हैं $2,000 2,000 सोम दे के क्या कहते हैं एक ताशकंद के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, और मेट्रो भी है बैरूनी और सारी जगह हम लोग जा सकते हैं, और क्या कहते हैं ये मल्टी स्टोर बहुत सारे मतलब पास पास में ही जैसे पेप्सी सुपर मार्केट, हाँ या सुपर मार्केट बहुत सारे हैं हम लोगों को अगर कुछ भी लेना है तो, और स्टेशनरी की भी दुकान जो है जस्ट हॉस्टल के बाहर ही, तो मतलब सारी चीजें जो है आस पास ही हैं, तो जितनी भी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं तो हम लोग ले लेते हैं जाके बस बेसिक नीड जो बेसिक नीड और मेडिकल कॉलेज तो चीजें तो रहेंगी जानते हैं कि स्टूडेंट हैं तो हर चीज हां सर, बेसिकली सिर्फ अकल और रोड है जो कि उस पे सारी चीजें अवेलेबल है। और अगर आप ताशकंद पे आना चाहते हैं तो स्टेथोस्कोप भी साथ लेकर आए क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है उसकी फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में तो इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है फर्स्ट ईयर से जो है शुरू करते हैं, तो दैट्स व्हाई आपके पास जो है स्टेथोस्कोप रहना जरूरी है, तो और एप्रॉन भी ले लें तो अच्छा है बेहतर है, क्योंकि दोस्तों बात ये है ना कि एप्रॉन यहाँ पे इंडिया के हिसाब से 1,000 रुपए के आसपास पड़ता है, तो ये चीज जो है ना आपको इंडिया में आपको 400 से 500 में बेस्ट क्वालिटी का मिल जाएगा, मटेरियल अच्छा होता है, तो अगर आप वहां से लेके आए तो ज्यादा बेटर है। कैप भी ले लें सर्जिकल कैप, सर्जिकल स्क्रब सूट, स्क्रब सूट जो है ओटी में ले जाते हैं तो परमानेंट वो क्या कहते हैं क्रॉक्स वगैरह तो ये सारी लेके आएंगे तो फायदा है। जैसे हम लोग मतलब मैं जितने भी यूट्यूब पे ब्लॉग देखा मेडिकल स्टूडेंट के जब रिसर्च कर रहा था तो वो सारे लोग भाई जैसे रशिया में एक भाई हैं तो उनका मैंने देखा तो वो बता रहे थे कि हमारी जो क्लास लगती है बस से जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर दूर, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारे हॉस्टल से जो टीएमए का जो हॉस्टल है हॉस्पिटल है यस हॉस्पिटल वो मतलब वो बहुत ही नजदीक है वॉकिंग डिस्टेंस पे, हम लोग निकलते हैं 10 से 5 मिनट लगता है, और क्या कहते हैं वहां पे सारे कहते हैं कि जो उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है टीएमए का ही ताशकंद का ही है ताशमी जिसको ताशमी कहते हैं यहाँ के लोग, तो वहां पे सारे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्डिंग डिवाइड है 9 नंबर बिल्डिंग 10 नंबर बिल्डिंग ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे, बस आप जो है डिपार्टमेंट चेंज करेंगे और हम लोगों का क्लास वहीं पे होता है। जो है यहाँ पे एक ये बेनिफिट है अगर आप दूसरे कंट्री में देखेंगे जैसे रशिया वगैरह यूक्रेन वगैरह या फिर अदर भी, तो हॉस्टल कहीं और है कॉलेज कहीं और है हॉस्पिटल कहीं और है, लेकिन यहाँ पे अगर ताशकंद मेडिकल एकेडमी में यह है कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये कैंपस कनेक्टिविटी है, जैसे हॉस्टल है हॉस्टल के जस्ट जहाँ पे हॉस्टल एंड होता है वहां से कॉलेज शुरू होता है, कॉलेज के बाद जो है हॉस्पिटल शुरू होता है, और यहाँ का हॉस्पिटल काफी बड़ा है क्योंकि गवर्नमेंटेड ये कॉलेज है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डेट्स वाई इसके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांच भी हैं लगभग 10 से 15 सिर्फ ताशकंद सिटी में है। सर बात होती है एब्रोड पढ़ने की, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के मन में एक सबसे बड़ा ये डाउट होता है कि सेफ्टी, क्योंकि घर से इतने किलोमीटर दूर आने के बाद जो है सेफ्टी इशू मतलब पेरेंट्स के मन में भी होता है और स्टूडेंट के मन में भी, सेफ्टी को लेके क्या है उज़्बेकिस्तान के अंदर? ये कंट्री वन ऑफ द सेफेस्ट रिगार्ड की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है काफी ज्यादा फ्रेंडली है तो आपको ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं, रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप सेफ देखेंगे तो मेरे जितना मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6-7 महीने का, तो मेरे को तो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज और वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस आई हैव बीन टू, तो वैसा फील होता है यहाँ पे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और हेल्पफुल भी है,
आप किसी से कुछ पूछ लो, आपको काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे और आपकी मदद करने की फुल कोशिश करेंगे जितना उनसे हो सके। तो सेफ के मामले में तो उज़्बेकिस्तान मेरे हिसाब से टॉप होनी चाहिए। और क्या है पीपल्स के बारे में कैसे, लोग भी यहाँ के काफी ज्यादा फ्रेंडली है, जैसे मैंने बताया था, हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा है। और इंडियंस को काफी अच्छे से स्पेशली ट्रीट किया जाता है, बिकॉज इंडियन मूवी जो है ना यहाँ पे काफी पॉपुलर है, बॉलीवुड को काफी देखा जाता है बहुत पहले से। दैट्स व्हाई इंडियन स्टूडेंट को देखते हैं एकदम उन लोगों का एक तरीके से जो है ना वो फैमिलियर माइंड में आता है, और डायरेक्ट एक्टर्स के नाम को लेके जो है डायरेक्ट बोलते हैं कि ओ आमिर खान, अमिताभ बच्चन, राजकुमार, लाइक दिस, शाहरुख खान, तो लाइक दिस कह के वो बहुत खुश होते हैं और काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। और बाकी आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? दिलदार आदमी है। हाँ वो तो बट और कैपिटल में रहने का ये भी फायदा है कि जितनी भी फेमस जगह है यहाँ की वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चोरसू सिटी पार्क, सिटी मॉल, यहाँ पे अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टेडियम है अगर आप फुटबॉल कुछ भी देखते हो तो। हाँ मतलब अगर आप उज़्बेकिस्तान आना चाहते हो ताशकंद प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताशकंद के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। सारे ताशकंद के जो भी एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, किसी भी इलाज तरीके कोई भी इलाज आपको कराना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिकॉज एक तो गवर्नमेंट है और ऊपर से जो है स्टूडेंट की वजह से जो है बहुत सारे जो है ब्लड टेस्ट वगैरह या फिर बहुत टेस्ट जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेनली जो है जो मेजर मेजर चीज़ों को लिटिल बिट, जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट में भी होता है लिटिल बिट चार्जेस के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। एनीथिंग एल्स कोई ऐड करना चाहे? सेफ्टी के पर्पज से आपने बात की तो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में सारे लोग देखते हैं कि मतलब कहीं पे निकल गए बाहर तो एक दूसरे से कोई कभी कभी मतलब लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होती है। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली, मैं बाहर निकलता हूँ कभी भी, अभी तक मतलब 6 महीने 7 महीने हो गए तो कभी मैं किसी से एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा। तो ये बेसिकली सेफ्टी का ही है। और मेरी मतलब कि यहाँ पे एक उज़्बेक बहन है तो वो हर बात पे बोलती है कि मतलब इट्स अ उज़्बेकिस्तान ब्रो, मतलब वो आपस में ये उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कोई सामान यहाँ पे रख देते, मतलब मेरा ही बास्केटबॉल और ये सब रख देते हम लोग, कोई कोई दिक्कत नहीं होती, फिर जाते कल खेलने के लिए मिल जाती है। तो ये सारी चीजें एक यहाँ पे सेफ्टी को लेके जैसे है ना उसी तरीके से जो है यहाँ पे ईमानदारी भी काफी ज्यादा है। अगर आपको कोई सामान कहीं पे छूट गया तो कोई टच भी नहीं करता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात वगैरह करके। और जो स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा परेशान होते हैं जो MBBS जो एब्रोड से करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी जब कभी हम भी आए थे तो हम भी काफी परेशान हुए थे, आप लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। सभी ने जो है अपने तरफ से जो जो जानकारियां थी उन्होंने दिया है। लास्ट में मैं सबसे ये बोलूंगा कि अपने तरफ से एक प्रॉन्स और एक कॉन्स, यानी कि एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, क्योंकि कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ का कुछ अच्छाई और कुछ बुराई नहीं है, तो अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एडवांटेज में तो सबसे मेरे हिसाब से एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि क्लिनिकल एक्सपोजर जो एक MBBS स्टूडेंट को जरूरी होता है सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलता है, हमें रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ और बाकी पोलैंड बाकी कंट्री के कंपेयर में सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको पेशेंट से डील करना सिखाया जाता है, मतलब इंटरेक्ट किया दिखाया जाता है कि आपको हॉस्पिटल का मतलब एंट्री मिल जाती है कि आप हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि यूट्यूब पे मैंने बहुत से वीडियो देखे चीपेस्ट कंट्री इस पे तो ये बहुत बस इसी वजह से जो है ना मैं भी ये सवाल किया कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द चीपेस्ट कंट्री, तो एक तो मेरा ये भी था इसीलिए मैं आप लोगों से पूछा, क्योंकि एक अकेला ओपिनियन देने से जो होता है लोग कहेंगे कि अपना TRP के लिए ये बंदा बोला, इसीलिए मैं इसीलिए आप लोगों से बोला कि आप लोग अपने साइड से बताइए क्या एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पे फेस किया है। तो ये सोच के मत आइएगा कि चीपेस्ट कंट्री है, चलो हो जाएगा 2000-3000 में हो जाएगा, 2000-3000 रुपीज में हो जाएगा एक महीने का, तो ऐसा नहीं है, मिनिमम आपको 4,000-5,000 रुपया तो चाहिए मंथली पे, 20,000 भी ले सकते हैं बट मिनिमम 5,000। हाँ मिनिमम आप 5,000 रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको हॉस्टल में रहते हैं तो कोई खर्च नहीं होता है, मेस का भी खाना आपको मिलता है क्योंकि आप एक बार में पे करते हैं, तो आप बाहर के लिए एक नॉर्मल जो है पॉकेट फ्रेंडली 5,000 है, लेकिन 5,000 से 6,000 अब उसके डिपेंड ऊपर आपको करता है, यहाँ पे बच्चे खर्च करने वाले 10,000-15,000 भी है, तो डेट्स वाई इट्स डिपेंड ऑन यू।
एडवांटेज एक ये है कि आपको यहाँ पे MBBS करने के बाद लाइसेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज बैरियर तो रहेगा ही यहाँ पे, बिकॉज बोलते हैं इंग्लिश मतलब फिर भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोलते, तो स्टिल अगर आप उज़्बेक वगैरह थोड़ी आ गए जैसे रशियन वगैरह आ गए आपको तो आप कर पाओगे उनके साथ कन्वर्सेट। एक और एडवांटेज है कि बाकी देशों में जैसे ऐसा हो गया कि MBBS आप 6 साल से ज्यादा लोगे कई जगह, जैसे फिलीपींस में 9 साल का हो गया और बाकी देशों में मेरे जो मैंने रिसर्च की थी सबसे कम हमको यही लगा था कि 5+1 वाला और कम भी हो गया है WHO से रिकॉग्नाइज। एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जितना जितना हो सके मसाला लेके आए, स्पाइसी वाले यहाँ पे नहीं मिलता, बिल्कुल सादा मिलता है यहाँ पे आपको सब्जी में, ना मसाला मिलेगा ना कुछ मिलेगा, मतलब मेस में मिलता है लेकिन वो सब स्टूडेंट को देख के बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप प्लीज मसाला ले आए। तो तारिक भाई के चैनल पे इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी वो पैकिंग वाली, मैं तो कहूंगा आप लोग डॉक्टर बनने वाले मसाला को इग्नोर कीजिए। सबने जो है अपना अपना ओपिनियन शेयर किया है, लास्ट में मैं कुछ बातों के बात अपना शेयर करके उसके बाद इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा। जो स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आते हैं कुछ कुछ रीजन की वजह से, जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह है उज़्बेकिस्तान का दिल्ली से, 3 घंटे के अंदर में आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। एक तो ताशकंद पॉलिटिकल एकेडमी जो है ये कैपिटल में है, और फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड में जो है यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता, यानी कि आप यहाँ पे जब मेडिकल करेंगे तो आपका MBBS फाइनल होने के बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पूरे लाइफ, और यहाँ पे बिना किसी एग्जाम का जो है आप यहाँ पे डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करेंगे और आप अपना अर्न कर सकते हैं जब तक आप FMG के एग्जाम नहीं दे रहे हैं या फिर निकल गए तो वेल एंड बेटर। और थर्ड जो यहाँ पे है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़्यादा मतलब अच्छा होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं। और फोर्थ जो है सेफेस्ट कंट्री है जो कि रैंक है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे क्रिमिनल रेट जो है काफी कम है, बहुत कम है, मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं एकदम नेग्लिजिबल टाइप से। बाकी जो है डिसएडवांटेज जो है हर जगह पे किसी ना किसी कंट्री में कुछ ना कुछ होता है, आपके शहर में भी जो है कुछ अच्छाई होगी कुछ बुराई होगी, तो आप बाहर आए हुए हैं तो उतना कंसीडर नहीं करेंगे जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि बाहर आए तो प्रॉब्लम तो होगी, तो डेट्स व्हाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जो आना चाहते हैं तो उन्हें काफी हेल्प होगा। तो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।